हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएनडीआई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किड वन की, जो आप जानते हैं कि क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11 इन सभी एग्जाम में फर्मेंटेशन कई बार पूछता है और ये छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, किड वन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मालूम रख लिया किस लिए हम करते हैं। सबसे जरूरी चीज, किड वन हम यूज करते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। एक बड़े एरिया में जब हम प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल का, तो उसमें हम यूज करते हैं किड वन की प्रक्रिया, ठीक है। और अक्सर हम किड वन यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, जिससे हमें अल्कोहल एक बड़ी मात्रा में मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको अल्कोहल बड़ी मात्रा में प्राप्त करना हो, तो हम किड वन का यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और हम इस किड वन की प्रोसेस में हम यूज करते हैं एक प्रकार की ईस्ट को, YEAST को। ईस्ट क्या है फ्रेंड्स? ये ईस्ट एक प्रकार का हमारा फंजाई है। फंजाई आप जानते होंगे, कवक। ये बिलोंग करता है प्लांट ग्रुप से, प्लांट किंगडम में। तो ईस्ट जो होता है, इसे हम बोलते हैं मीठा कवक, क्योंकि ये स्वाद में मीठा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्वाद में कैसा होता है? स्वीट्स होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्वीट्स फंजाई, मीठा कवक। इस मीठे कवक को एक और नाम से हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसीज। ईस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको किडवन की प्रक्रिया में अल्कोहल आपको बनाना है, किडवन की प्रक्रिया से अल्कोहल, तो हम ईस्ट का यूज करेंगे। ईस्ट की बहुत सारी जातियां, लेकिन ये यूज होती हैं अल्कोहल बनाने के लिए। कौन कौन सी दो जातियां हैं? एक को आप बोलते हैं सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज। सैक्रो मतलब होता है फ्रेंड शुगर, और माइसीज बिलोंग करता है माइक्रोबिया ग्रुप से, तो शुगर वाला कवक, ठीक है फ्रेंड्स। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी एक पहली जाति होगी, दूसरी जाति सैक्रोमाइसीस एलियोडियस। ये दोनों प्रजातियां मेनली यूज करते हैं, ये दोनों प्रजातियां मेनली यूज करते हैं किडवन की प्रक्रिया में। तो हम इसमें करते क्या हैं? हम सबसे पहले इस किडवन बनाने के लिए हम दो स्टेप यूज करते हैं। इनमें से कोई भी एक जाति जो आपको बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाए, उसका आप यूज करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, इनमें से कोई एक जाति लेंगे, कोई एक ईस्ट ले लेंगे जो आपके पास हो। फिर आप उसमें शुगर और उसके मिक्सचर को, यानी वाटर के लेवल को ऐड करेंगे, और फिर आप इसका प्रोडक्ट कर, इसमें आप एक एंजाइम यूज करेंगे, इसे आप बोलेंगे इन्वर्टेज एंजाइम यूज करेंगे। और इनके थ्रू, जैसे आप इन्वर्टेज एंजाइम डाल देंगे, तो इन्वर्टेज एंजाइम इनको मिक्स करके आपको प्रोडक्ट देगा। एक आपको देगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और दूसरा आपको दे देगा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। अब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पर देख लेते हैं। ईस्ट तो हो गया, शुगर का फॉर्मूला हम जानते हैं C12H22O11 होता है। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला यही हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो आपको लगभग ये मिल जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज का हो गया, फ्रक्टोज का भी सेम ग्लूकोज की तरह हो गया C6H12O6। यानी आपको इन दोनों के मिक्सचर से आपको हमको क्या मिल गया था फ्रेंड, C12H24O12। तो हमने आधा आधा दोनों बांट दिया, ये पहला प्रोडक्शन। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले किडवन की फर्स्ट फर्मेंटेशन की टेक्निक होगी, अब दूसरी फर्मेंटेशन की टेक्निक पे आप फ्रक्टोज का यूज करके आप ग्लूकोज को यूज करेंगे। हमने ग्लूकोज को यूज किया C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया हमारा। और इस ग्लूकोज को हम एक एंजाइम दे देंगे जिसका नाम है जाइमेज, ठीक है फ्रेंड्स। अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि हम पहले स्टेप में जाइमेज यूज करें कि दूसरे स्टेप में। अक्सर आपको एक, हम आपको तरीका बता दे रहा हूं, दो आपके फर्मेंटेशन में आपको दो एंजाइम याद करना है, एक इन्वर्टेज एक जाइमेज। आई आपके अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए आप इन्वर्टेज किसमें डालेंगे, पहले स्टेप में, और जेड आई के बाद आता है, तो आप इसमें डाल देंगे सेकंड स्टेप में। और एक टेक्निक है, आई को आप रोमन अंक में 1 बोलते हैं, 1 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज हो गया, जाइमेज एंजाइम आपने प्रेजेंस करवाया ग्लूकोज के साथ, तो जाइमेज एंजाइम जो है इस ग्लूकोज को तोड़ देगा किसमें फ्रेंड्स, एथिल अल्कोहल, या आपका अल्कोहल बन गया C2H5OH, इसकी दो मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। अब बचा क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास बचा है सिर्फ, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की दो मॉलिक्यूल, ये हमारे पास बचा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया अल्कोहल, ये बन गया हमारा अल्कोहल। इसी को आप बोलते हैं अल्कोहल, या एथिल अल्कोहल, या फिर शराब के नाम से आप जानते हैं। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सारी चीजों को हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। ये हमारे किडवन की प्रोसेस है, किडवन की प्रक्रिया में हम अल्कोहल को बनाते हैं बड़े प्रोडक्शन पर, औद्योगिक लेवल पर, ठीक है। इस किडवन की प्रक्रिया में हम ईस्ट को यूज करते हैं, ईस्ट को आप कवक के नाम से बोलते हैं। कवक आपका प्लांट ग्रुप में आता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी फ्रेंड्स, सेल्यूलोज की। और हम जानते हैं कि प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है सेल वॉल और सेल्यूलोज, ठीक है।
ईस्ट कैसा होता है, एक मीठा कवक होता है, इसलिए आप स्वीट फंजाई बोलते हैं इसे। ईस्ट को एक और नाम से बुलाते हैं सैक्रोमाइसिस, यानी मीठा कवक। ईस्ट की दो प्रजातियां किण्वन में यूज की जाती हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिसी और सैक्रोमाइसिस एलियोडियस। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में से जो प्रजाति आपको अवेलेबल हो उसको आप ले लें, शुगर और वाटर इसका मिक्सर कराते तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसी ग्लूकोज को आप वापस आगे दूसरे स्टेप में जाइमेज एंजाइम के साथ मिक्सर करते हैं, अब आपको 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त हो जाए।